लगातार थोड़ा ज्ञान देने की बजाय दौड़ाया जाता है। 54 नंबर पर जाते हैं तो वो खिड़की वाले कहते हैं अरे 55 में जाओ, 55 वाले कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होता ये टेस्ट, वो दौड़ाते हैं 53 में जाओ। एक इंसान किलोमीटर तक, उसका तो पेशेंट हॉस्पिटल में अकेला जूझ रहा है। दवा भी नहीं मिली हमारे तो, बाहर से लिख दिए, बताओ किसी पे है बाहर से लेने गुंजाश, किसी पे ना है कहाँ से ले मैं। अभी दवाइयाँ भी नहीं मिली, दवा भी नहीं मिली। किस बच्चे को पकड़ के लाऊंगी दोबारा से कि भैया मेरे भैया को गोद में उठा के अस्पताल पहुँचा दे, यहाँ व्हील चेयर नहीं देते। कल पूरा दिन एक लड़की को खड़ा रखा कि व्हील चेयर दे दो, आधार कार्ड भी दे रही हूँ मैडम है नहीं। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली के GTV हॉस्पिटल के सामने, यहाँ के लोगों से बात करते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और क्या क्या नहीं, मतलब कितना यहाँ के मरीज सेटिस्फाइड है खुश है सुविधा से और कितने खुश नहीं हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से। मैम अपना नाम क्या है? मेरा नाम है मीनू चौहान। देखिए यहाँ पर लगातार थोड़ा ज्ञान देने की बजाय दौड़ाया जाता है। 54 नंबर पर जाते हैं तो वो खिड़की वाले कहते हैं अरे 55 में जाओ, 55 वाले कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होता ये टेस्ट, वो दौड़ाते हैं 53 में जाओ। एक इंसान किलोमीटर तक, उसका तो पेशेंट हॉस्पिटल में अकेला जूझ रहा है और ऊपर से तुम हमें अलग अलग खिड़कियों पर दौड़ाते रहते हो। हमें खुद समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लगता है कि यहाँ आने से तो खुद आत्महत्या करके मर जाए बस। मैम कितने बजे आई थी आप सुबह यहाँ पर? कल से हमारे 5 बजे से पेशेंट झूल रहा है, उसके ऑक्सीजन लगी हुई है, उसके पास कोई नहीं है लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता, बस दौड़ाते रहते। अपनी स्ट्रेचर उठा के साथ साथ मंजिल दौड़ो अपने। हमारे एक लेडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो अपने हस्बैंड की स्ट्रेचर को लेकर इधर उधर भाग सके, बताओ वो कहाँ जाए। कोई वार्ड बॉय भी हेल्प करने को तैयार नहीं होता, कोई डॉक्टर वार्ड बॉय प्रोवाइड नहीं करता आपको, मतलब देता नहीं है कि मरीज को ले जाने के लिए। वो कहते हैं अपना आई कार्ड जमा कराओ तब मिलेगी, के बाद उसको पेशेंट को कहीं भी छोड़कर उसको जमा करा के तब तुम्हारा कार्ड मिलेगा। सुविधाएं कैसी कैसी हैं? सुविधाएं सर कुछ भी सुविधाएं नहीं है, वॉशरूम तक इतना ज्यादा गंदा है, थोड़ा सा कुछ कीजिए प्लीज। पेशेंट जो मर रहा होता है ना उसको अपनी तरह रख के सोच के बोलिए कि वो अगर तुम्हारा पेशेंट होता तो मैं कैसा फील होगा। किस चीज मतलब क्या किस चीज के पेशेंट है वो, क्या किस चीज का इलाज करवा रही है? ब्लड चढ़ रहा है, कल इमरजेंसी में लाया गया लेकिन अब जाकर स्टार्ट किया, वो भी इतनी जद्दोजहद के बाद कोई देखने को तैयार नहीं। वो कांप रहे हैं तो पंखे चल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा। किस चीज के इलाज के लिए लाई हैं उनको? उनको मैं अचानक उनकी हालत सी सांस रुक रही थी तो यहाँ पर उन्होंने बोला कोविड का टेस्ट करवाया आपने यहाँ पर? कोविड के टेस्ट सब हो चुके हैं, उनका ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। अब मैं वहाँ पर बाहर टेस्ट कराने गई हूँ, वो कह रहे आप खून कम लेकर आए, वापस आती मंजिल जा रही हूँ मैं खून और ज्यादा उसके सिरिंज में डलवाने के लिए। मतलब एक पेशेंट अकेला जूझता रहेगा, आप पहले से ही आपको पता है। मरीज के जानकारों को हर जानकारी दीजिए सीरियसली कि आप वहाँ जाइए ऐसे कराइए। एक तो इंसान वैसे दुखी होता है, अस्पताल में कोई खुशी से नहीं आता, बहुत दुखी होकर आता है, तो आप उसे भड़काने की बजाय उसको सीधे सीधे रास्ते दिखाए प्लीज़। मेरी आपसे जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो यहाँ पे थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करें, अदरवाइज लोग घरों में मर जाना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे यहाँ आने के बजाय। जैसा कि आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी आंटी जी ने ये बोला, अभी अभी और आंटी से बात करके देखते हैं जानते हैं कि उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं। आइए अंदर चलते हैं, अंदर खुला हुआ है, यहाँ पर कोई चौकीदार भी नहीं है, यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है, यहाँ पर सर डेट एक्सपायर दवाई भी मिल रही है, डेट एक्सपायर दवाइयाँ भी दी जा रही है। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ की दवाइयों के डेट एक्सपायर है उनको दिया जा रहा है यहाँ। क्या दवाइयाँ दिखाना, डेट एक्सपायर है इसकी 2022 एक्सपायर डेट मार्च 2022। आंटी यहाँ इलाज करवाने आई है, किस चीज़ का? ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन होएगा जी। कैसा था ऑपरेशन? अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं होगा, गांठ है। देख रेख कैसे कर रहे हैं डॉक्टर? सही कर रहे हैं। सफाई कैसी है यहाँ की? सही है सफाई, सफाई सही है। हाँ काम आम सब सही कर रहे हैं। दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर सही? हाँ सब चीज़ सही हो रहा है। एक्सपायर तो नहीं है दवाई, चेक करी थी आपने डेट? अभी दवाई नहीं दी, इनके चेकअप हो रहे हैं, जब भी आवेंगे अभी चेकअप हो जाती है इनकी। अंकल जी आप यहीं आते हैं इलाज के लिए डेली? हाँ दवाई के लिए आते हैं। दवाई के लिए आते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ से? मिलती हैं। मिलती है। साफ सफाई कैसी है अंदर की? सही है। सही है, डॉक्टर सही देख रहे हैं? सही देख। आंटी आप इलाज के लिए आई हैं? हाँ जी। कब से आई हैं? सुबह के आए हुए पड़े हैं यहाँ। सुबह के आए हुए हैं, कैसा हो मतलब अभी तक यहीं बैठी हैं? अभी तक यहीं बैठी हैं, कोई सुनाई ना, लौंडिया लाइन में लगी पड़ी है, हम यहाँ पड़े हुए हैं, कोई
सुना ही ना, पर्ची बना रही है, पर्ची बन रही है, दवा की वो एड्रेसन की ना सुन नहीं है, अभी एड्रेसन की लाइन में जा रहे हैं लगने के लिए। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी कब से आई हैं? अभी कुछ ना हुआ। आप कब से आई हैं? मैं भी सुबह 6 बजे की आई हुई हूँ। 6 बजे से आई है, अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ? अभी तक ना, अभी ना हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ क्यों बैठी हैं? बहू गई हुई है अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए। लड़की भी है। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर से दिखाया? अभी तक नहीं दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दिखा दिया, उसमें लगी पड़ी है अल्ट्रासाउंड की जांच। डॉक्टर कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, खास ना देख रहे हैं। सफाई कैसी है इसके अंदर? वो वाली बात ना जो होनी चाहिए डॉक्टरों के अंदर, वो वाली बात नहीं है। आइए और पता करते हैं और जानते हैं कि और बात करके। कब से आई हैं? मैं तो अभी आई थी, क्या नाम से, 1 घंटे पहले। सफाई कैसी है इसके अंदर? बढ़िया है। अभी अंडी गाड़ी थी खराब है? नहीं, अंदर तो सालों में सफाई अब अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है सफाई। डॉक्टर, अच्छा पहले से अच्छी है, मतलब अभी भी इतनी खास नहीं है लेकिन पहले से अच्छी है? हाँ, पहले से बहुत अच्छी है। डॉक्टर कैसे देख रहे हैं, सही से नहीं देख रहे? हाँ देखते हैं अब, मतलब ऐसे नहीं देखते जैसे हाथ वाथ लगा के पहले ज्यादा देखते थे, अब उसकी बीमारी की वजह से देखते हैं लेकिन इतना नहीं देखते। कोविड की वजह से अब हाथ वाथ लगा के नहीं देखते, ग्लव्स पहन के देखते हैं? एक दूसरे लगे पड़े होते हैं इस टाइम, अभी बहुत ज्यादा भीड़। देखो भीड़, दवा भी ना मिली हमारे तो बाहर से लिख दिए, बताओ किसी पे है बाहर से लेने गुंजाइश, किसी पे ना है कहाँ से लेने। अभी दवाइयाँ भी नहीं मिल रही? दवाई भी ना मिली। आंटी बोल रही थी एक्सपायरी दवाई मिल रही है यहाँ पर। अच्छा दवाइयाँ पूरी नहीं है? हाँ दवाइयाँ पूरी नहीं है, अभी हमने भी एक मिली है। मैं बीमार हूँ, मैंने बाहर से ली थी 100 रुपए की आई थी, अब फिर अभी आई हूँ तो फिर उसमें एक दवाई नहीं है, वो फिर बाहर लेनी है। अभी क्या कहा जा रहा है कि दवाइयाँ है नहीं है, कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी? पूरी दवाई नहीं, पूरी दवाई नहीं मिली सर। तो क्या कह रहे हैं कि कब तक आ जाएगी पूरी दवाई? बोल देते हैं अब की बार आ जाना ले जाना, अब की बार आ जाना ले जाना है, मिल जाएगी। तो कब तक, अब कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं कम से कम 3 हफ्ते हो गए सर आते हुए। 3 हफ्ते से दवाइयाँ नहीं मिल रही है? 3 हफ्ते से यही बोला जा रहा है कि अब की बार आ जाना ले जाना। एक बार दी थी, फिर दूसरे हफ्ते में आया, फिर नहीं मिली सर। अच्छा एक बार आया था, एक बार पूरी दवाई मिली थी? नहीं नहीं, उसमें भी कुछ गोलियाँ कम थी थोड़ी। अच्छा अब अभी भी लाइन में लगा हुआ हूँ, अब पिताजी लगे हुए वहाँ पर। अच्छा अभी लाइन में लगे हुए, अभी पता ही नहीं चल रहा कि दवाई पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है। कहाँ मिलती हैं? अच्छा दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती? नहीं, बाहर से लेनी पड़ती हैं दवाइयाँ। अभी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं? मेरी सास का वो एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बाहर से दवाई ली थी, 3 दिन की दवाई लिख दी थी, नहीं तो 15 दिन की दवाई। अंदर से कुछ दवाइयाँ नहीं मिल रही इसका मतलब? नहीं पूरी नहीं, 3 दिन की दवाई खा पाए और सीधा हम लोग को ओपीडी में भेज दिया और इमरजेंसी में चले जाओ। इमरजेंसी में दिया तो वो अकड़ के बोल रहे हैं यहाँ क्यों आए, ओपीटी में जाओ। जब हमें दिक्कत है तभी तो हम इमरजेंसी में आ रहे हैं, हमें क्या मतलब है इमरजेंसी में आना? ओपीटी में जाओगे 1 घंटा नंबर लगा, 1 घंटे में कुछ हो जाएगा तो ये इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा इनका, जाना है तो हमारा जाएगा ना। इमरजेंसी में जाने के बाद क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जाओ तुम ओपीटी में, हम यहाँ नहीं करेंगे, ओपीटी में जाओ। आपने बोला नहीं कि इमरजेंसी अभी अभी आया? बोला था, इन्होंने लिख रखा है इमरजेंसी में, मुझे ओपीटी में कराओ, इमरजेंसी में कराना। इमरजेंसी में कुछ देखा था उन्होंने कि डायरेक्ट भेज दिया? नहीं देखा, डायरेक्ट तुम ओपीटी में जाओ वाला, और पेशेंट के साथ और बदतमीज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम जाओ, फालतू की बोल रहे हैं यहाँ तो एक्सीडेंट केस है ये, वो चीज भी आराम से बोल सकते हैं ना पेशेंट के संग। पेशेंट वैसे हाई फाई होता है, पेशेंट वैसे बीमार होता है, पेशेंट के इतनी उनकी सीरियस तबियत हो रही है, फिर भी बहुत लापरवाही है। GTB हॉस्पिटल सुबह इस हॉस्पिटल में कितने बजे आई? 7 बजे। 7 बजे? 7 बजे से अभी टाइम कितना और अब देखना, देखा आपने सर? 11 बज गए। यस सर, 11:20 हो गए। ओपीडी के बाहर खड़े हुए वहाँ स्टाफ, बेड भी नहीं, यहाँ बेड भी नहीं, एक 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 बेड पर दो दो तीन तीन बंदे सीरियस जो बंदे हैं, दो दो बंदे कर रखे हैं एक एक बेड पर, मगर बेडों की कोई वो नहीं है पूछ, मतलब बेड बहुत कम है, बेडों की मतलब बहुत ज्यादा किल्लत है, एक बेड पर दो दो बंदे डाल रखे हैं, एक एक बेड पर। सीरियस उन्हें पता नहीं है कि कोविड चल रहा अभी भी? एक एक बेड पर भाई दो दो बंदे, डिस्टेंस है नहीं बेड पे मरीजों के साथ, डिस्टेंस नहीं है भाई, नहीं है बिल्कुल। आप क्या? हम तो 2 महीना से दवा के लिए परेशान है, दवा जब आ रहे डॉक्टर लिख रहे दवा मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने से दवाई ही नहीं मिल रही आपको? ना, तो ये तो कह रही है कुछ दवाइयाँ मिलती है कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती, अभी भी दिखा रहा है अभी दवाइयाँ नहीं मिलती है। 8 महीने से हम हो गया ऑपरेशन के लिए, घुमा के रख रखा ऑपरेशन के लिए, डेट बढ़ा देते हैं आगे, 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? था हमारा निचोड़ा, 2 महीने से दवा पर कान में दिक्कत थी हमारे, 8 महीने से घुमा रखा ऑपरेशन को, 8 महीने से। हाँ जी बिल्कुल, कभी आगे को डेट दे देते हैं, कभी मार्च की दे देते हैं, कभी किसी महीने। कितनी तारीख की डेट मिली? सर्दी हो गई, सर्दी में हमारा कम से कम, ये गर्मी आ गई अब। आप कितनी तारीख को डेट दिया है उन्होंने, कितने महीने का आगे दिया? 25 मार्च को दिया है। 25 मार्च को फोन करके उनसे ये सवाल नहीं करा कि 25 मार्च को ऑपरेशन हो गया या इसके बाद भी आप आगे डेट बढ़ाओ? फोन करके बुलाएंगे, अभी तक तो फोन आया नहीं, लेकिन आज तो फिर भी 15-16 मार्च हो गई, अब देख रहे हैं। दवाइयाँ चला रहे हैं उसके साथ साथ, दवाइयाँ चला रहे हैं या नहीं चला रहे? जी ऑपरेशन दे दिया उसके बाद भी दवाइयाँ चल रही है? नहीं नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं, ऑपरेशन के लिए घुमा के रख रखा हमें, 8-9 महीने हो गए।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑपरेशन के लिए भी इस हॉस्पिटल में घुमा रहे हैं डॉक्टर, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। यहाँ के मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये सर इन दो महीने से दवाई के लिए घूम रहे हैं। दो महीने से दवाई के लिए घूम रहे हैं, इनको दवाइयाँ मिल नहीं रही है। अंकल जी को जब आते हैं तो दवा लिख देते हैं, दवा तो लेने के लिए जाते, मिलता ही नहीं, दवाई मिलती नहीं है यहाँ पे। दवाई है कि आंटी आप कितने कब से आई? भैया मिलती है दवाई, मिलती है और क्या। अभी यहाँ पे जितनी भी आंटियाँ इनको नहीं मिली है दवाई, इनको नहीं मिली है, तीन दो नहीं मिलती है, बट दवाई तो यहाँ पे कंटिन्यू मिलती है। दवाई कंटिन्यू मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको मिली है दवाई? ट्रीटमेंट भी अच्छा। हाँ भैया मिली है। देखिए दो टेबलेट नहीं थी और एक ट्यूब नहीं थी, उन्होंने कहा परसों आना या कल आना ले जाना आके। परसों आना या कल आ जाना लेना। भीड़ कैसी होती है, लाइनें होती है, क्या होता है? लाइनें से बहुत परेशान है, मतलब कि रूटीन नहीं है पब्लिक का, कि मतलब कि वो नहीं है कि जैसे। अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करा जा रहा है? हाँ अंदर वहाँ तो करा जा रहा है, लेकिन बाहर की बहुत पब्लिक परेशान रहती है। जो बंदे दूर से आते हैं ना, जो बंदे दूर से आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। अच्छा जो बंदे दूर से आते हैं वो परेशान होते हैं, आप पार से ही है। उनको इतना नॉलेज नहीं है ना कि भाई कैसे कहाँ लगे, तो कोई बताने वाला भी नहीं होता, और लाइन भी बहुत, जो चलाक होते हैं वो तो दवाई ले जाते हैं। जो ऐसे होते हैं दवाई ले, दवाई मिली? हाँ मेरा ऑपरेशन हो रखा था, दोबारा होगा। दवाई मिल रही आपको? नहीं मिली जांच। आंटी कह रही है दवाई मिल रही, आप कह रहे हैं दवाई नहीं मिली? ना मिलती है, मेरा तो ऑपरेशन हो रखा, दवाई बंद है ना। अच्छा दवाई बंद कर रही है, दोबारा होगा इसका। तो ऑपरेशन कब हुआ था, कितने दिनों से आप चक्कर काट रहे थे? पिछले महीने सितंबर में हुआ था दोबारा। कब से आए हैं, कब से कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? अरे हो गया 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने में आप जाकर डेट मिली, आप जाकर ऑपरेशन हुआ है, कब हुआ? ऑपरेशन हो गया दोबारा, लेकिन दो ट्यूब नहीं है, तो उन्होंने बोला है कल या परसों में आके ले जाना। अच्छा दो ट्यूब नहीं है, कुछ दवाइयाँ मिल रही है, कुछ दवाइयाँ नहीं मिल रही है। अच्छा जिस जो ऑपरेशन फेल हो रहा है। अंकल आपका क्या कहना है, कैसा है हॉस्पिटल? मेरे को 3 साल हो गई है। 3 साल हो गए आपको आते हुए? धक्के खा रहा हूँ, नंद नगरी से आता हूँ। किस लिए आ रहे हैं आप? बीमार हूँ मैं। क्या क्या हुआ? मेरा पोस्टर बड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, बवासीर है, ईड़ की हड्डी में ना से फंसी पड़ी है, पथरी है। क्या कहना है डॉक्टर? डॉक्टर मेरे को दवाई देते हैं, मैंने उनके हाथ जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लेता, मैंने कहा मुझे भर्ती कर लो, मेरे को, मैं रात को आता हूँ 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ। बताया ऑपरेशन करेंगे क्या क्या करेंगे? कह रहे हैं दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो। इमरजेंसी में आता हूँ तो भगा देते हैं, कहते हैं कि OPD में ही दिखाना। मैंने कहा कल दिखाया, परसों दिखाया, कह रहे नहीं वहीं दिखाओ, यहाँ यहाँ नहीं होगा। 3 सालों से आप चक्कर काट रहे हैं आगे? अंकल 2 साल से चक्कर काट रहा है जी। 2 साल से आप चक्कर काट रहे हैं? फाइल भरी पड़ी है, पेशाब में गदूद है, और वो पेशाब रात को रुकता है, सुबह को मतलब घंटा घंटा के बाद आता है पेशाब। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं दवाई खाते रहो, जब पेशाब बंद हो जाएगा जब तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। अब बताइए, बोला नहीं अंदाजा कब तक दवाई खाते रहे? 2 साल से आप दवाई खा रहे हो? 2 साल से दवाई खा रहे हो। दवाइयाँ मिल रही है यहाँ से? दवाइयाँ कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती, कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती, बाहर से लेनी पड़ती। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? अभी भी नंबर नहीं आया, फिर जा रहे हैं, अब बाहर आ गए चाय पीने के लिए, क्या कर रहे हैं? कोविड के मरीज भी हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, मतलब कोविड का टेस्ट करवाया आपने? सारे टेस्ट हो चुके, लेकिन वो कहते हैं दवाई खाओ, ऑपरेशन होगा तुम्हारा जिस दिन, उस दिन होगा जिस दिन पेशाब बंद हो जाएगा। अब ये मरने का रास्ता देख रहे हैं, ये साला मरे तो ये हमारे पास आए। बहुत अच्छी बात, आइए आइए और आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चे की तबीयत काफ़ी दिन से मतलब ख़राब है, और बाहर की मतलब जाँचें वाँचें करवाई थी, बाहर से जहाँ तक हमारी समझ में ये आ रहा, बाहर की रिपोर्टें करवा के लाए थे, वो ज़्यादा अच्छी होंगी हो सकता है। वो रिपोर्टें देखने के बाद में फिर भी खून जांच, ऐसी वैसी जांचें बार बार, करीब 4-5 दिन से भगा दौड़ा रहे हमको। क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा था बाहर से टेस्ट करवा के लाओ? आप टेस्ट करवा के बाहर से लाए, बाहर जैसे प्राइवेट में हमने दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड भरे के हमारे पास वहाँ पैसे नहीं थे इतने, ठीक है तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ पर बीती इतनी ये सब रिपोर्टें दिखाने के बाद में भी कह रहे हैं अब और दोबारा जाँच करवाओ यहाँ पर। कब आए आप? हो गए कम से कम 6-7 दिन हो गए हमें बराबर आ रहे हैं। 6-7 दिन से क्या क्या हो गया इसमें? क्या क्या हो गया? दवाई पकड़ा देते हैं और भेज देते हैं, कभी जांच करवा, कभी 8 नंबर कवर करवा। कितने हो गए 6-7 दिन? कुछ टेस्ट नहीं हुआ है, आज एक टेस्ट हुआ है ब्लड का, और एक 8 नंबर का हुआ है, और एक टीका लगा दिया है, बोल रहे हैं शनिचर को फिर आओ, वो करवा के फिर बोल रहे हैं होली के बाद आना। और पूछा नहीं है कि कब तक ये प्रोसेस चलेगा, कब तक बुलाते रहोगे, कब तक? सारी हुआ है बच्चों, क्या हुआ? बच्चे को खाली लेटर और कुछ नहीं है, कमजोरी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा कमजोरी है, खून की कमी है। अच्छा टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अभी? टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कैसा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना बच्चे को। ये टेस्ट में इतने बाहर से करवा के लाया हूँ, ये क्या सब बेकार हैं?
ये प्राइवेट हॉस्पिटलों से टेस्ट करवा के आए हैं, इन्होंने दिखाया, लेकिन सरकारी वाले ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से टेस्ट करेंगे दोबारा से और अपने तरीके से ही देखेंगे। वो अभी इन्हें बुखार चल रहा है, बुखार की दवाई दे रहे हैं और बाकी कह रहे टेस्ट करवाओ। अच्छा बुखार की दवाई दिखाया था, बुखार चल रहा है इनको। हां दिखाया गया, बोधो पानी दे रहे हैं बुखार के लिए, फिर आना। आपका कहना कब आंटी, कब से आई आप? हम तो 3 महीना से इलाज चल रहा है हमारा। 3 महीने से क्या हुआ आप? अरे हमारा बच्चा था, दवाई चल रही है उसकी। अच्छा अच्छा, दवाइयाँ मिल गई यहाँ से, ले ली आपने? हाँ दवाइयाँ मिल गई। तो सारा मामला ख़राब हो चुका है यहाँ का बिल्कुल, अब कोई निज़ाम सही नहीं है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ के मरीज भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कुछ दवाइयाँ मिलती है कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है यहाँ पर। आंटी भी परेशान, आंटी की सुन ले, आंटी क्या कह रही है? कहीं ना मिल नहीं पूरी दवाई, 2-3 दिन बैठे नहीं। कितनी दवाइयाँ मिलती है? स्टोर से ले जा रही मैं तो, ये लिख रहे हैं। कितनी दवाइयाँ मिली आपको? 2-3 दवा मिली है, दो स्टोर के लेके आई हैं। अच्छा 2-3 मिली है और बाकी 2-3 रह रही है अभी स्टोर की। किस चीज़ का इलाज करवाना आ रही है, कब से आ रही है? मैं 4 साल हो गई। 4 सालों से क्या, किस चीज़ का इलाज चल रहा है आपका? बीमारी हाड़ की। सफाई है आंटी अंदर की गई हैं आप, देखा आपने सफाई है? डॉक्टर सही देख रहे हैं आपको? हम वो तो सही देख रहे हैं, सही देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ यहाँ पे मिलती है और कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। काफ़ी लोग माइनस कर दी, क्या कह रहे? दो दिए, दो बोल दिया है नहीं। अच्छा आधी दवाइयाँ मिलती है, आधी दवाइयाँ नहीं मिलती है। मेरी 2 मिली है, 2। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पूरी सुविधा दी जा रही है यहाँ पर दवाइयों को लेकर। 2 दे दिए और 2 नहीं दिए। अच्छा अच्छा, 2 दे दिए हैं, कुछ दे दिए हैं, कुछ नहीं मिली है अभी। आंटी आपको? मेरा हो गया था एक्सीडेंट और यहाँ आई थी मैं बेहोश। अब देखो उन्होंने कर दिया होश में, अब मेरे कोरोना में आई नहीं थी। अब मुझे नहीं ढंग से देख रहे हैं, नहीं ढंग से दवाई दे रहा है मेरी। और देखो 15 दिन की दवाई खा ली मैंने, इतने चक्कर आ रहे हैं कि दिमाग घूम रहा है मेरा। अब दिखाया मैंने तो दो रंग की गोली दे दी उन्होंने, भैया ढंग से तो देख लो मुझे। दवाई बाहर लेके दी, गार्ड इतने बदतमीजी से पेश आते हैं, जाने भी नहीं देते। जिसकी मजबूरी है उसको तो अंदर जाने दो। कहाँ पर? ये शुगर वाले ने क्यों जाओ, वो जो बात है जो गलती है वो गलती है। यहाँ के गार्ड भी बदतमीजी करते हैं, बिल्कुल बदतमीजी करते, जाने नहीं देते। ना उधर से जाने दिया, ना मेरे को इधर से जाने दिया। अंदर डॉक्टर बोला, अपने घर वाले को बुला। अच्छा जाने नहीं दिए। दवाइयाँ मिली है अंदर? दवाई इंजेक्शन मिली है, सिरिंज चुनाई मिलती है, लॉकडाउन से दवाई आधा मिलता है। लाइन लगी रहती है, आधी मिलती आधी नहीं मिलती। बहुत लापरवाही है, महंगी दवाइयाँ बाहर से। अच्छा जो महंगी दवाइयाँ वो बाहर से और सस्ती दवाइयाँ अंदर से ही मिल जाती है जी। केजरीवाल जी का कहना है कि भाई पूरी दवाइयाँ यहाँ से मिलेगी, उनका कहना सही है, मगर यहाँ मिलती कुछ नहीं है, लाइन में लगे रहते हैं, धक्के मुक्के खाते वापस घर चले आते हैं। अब लाइन में लगे हुए 2 घंटे हो गए, 11:30 बजे इनको खिड़की बंद हो गई। खिड़की बंद हो गई, क्या करें आम आदमी, बताइए आप। स्ट्रेचर का ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रहने के बावजूद भी नहीं दे रहे, वहाँ पे लगे हुए हैं हम लोग 2-2 घंटे से खड़े, लेकिन स्ट्रेचर नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बेड पे भी 2-2 मरीज लिटाए जा रहे हैं यहाँ पर, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेचर ले जा रहे हैं। मैं आज 1 हफ्ते से परेशान हूँ यहाँ पर, ये गाजियाबाद से मेरा पेशेंट रेफर है और मेरे पास नहीं है, मैं प्राइवेट इलाज करवाऊँ। पहले मैं इमरजेंसी में एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन आपने? मुझे नहीं मालूम कहाँ लिखी जाएगी। प्राइवेट से भी इलाज कराओगी तो सरकार यहाँ का वो मतलब जो भी खर्चा होएगा नहीं लेंगे। अगर मैं कोई वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है तो यहाँ मैं लेके आऊँगी, लेंगे ये नहीं लेंगे ना, भगा देंगे मुझे, इसलिए मैं यहाँ के चक्कर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? पहले मैंने इमरजेंसी में दिखाया, इन्होंने कहा ओपीडी में लेके आओ। मैं ओपीडी में लेके आई तो देखिए ये 81 नंबर रूम नंबर में, मैं पूरा दिन लाइन में लगी रही हूँ। जब मेरा नंबर आया तो उसने कह दिया कि यहाँ वो डॉक्टर नहीं है। अब आप ये देखिए यहाँ क्या लिखा, फ्राइडे ट्यूजडे, कल ट्यूजडे था ना, कल क्यों नहीं देखा? क्या कहा कल आए थे? कह दिया कि आप कल आना, मेरा भाई विकलांग है, आप चल के देखो, दूसरे मोहल्ले के लड़के को लेके आते। आपने बोला नहीं कितने दिन तक आप बातों को टालते रहो, कितने दिन तक मैं कल कल करता। अब आप फिर आप तो कुछ हो नहीं सकता है, अब आप फ्राइडे को आइएगा। कितने बजे बुलाया फ्राइडे? फ्राइडे को वही सुबह ओपीडी में हो जी। अब मैं प्राइवेट सुबह ओपीडी में फिर आऊँगी, फिर मैं लाइन में लगूंगी। जब मेरा कल नंबर था तो मेरे भाई को कल क्यों नहीं देखा गया? कल ट्यूजडे था ना, कल क्यों नहीं देखा गया? डॉक्टर ने मुझे भगा दिया। मैं कहती रही कि भैया मैं बहुत भगाया डॉक्टर कि आज आपके डॉक्टर नहीं आए, आज डॉक्टर नहीं आए जी। और आज भी यही कहा जा रहा है कि आज तो आपका दिन ही नहीं है।
और फिर जब आपने बोला नहीं कल डॉक्टर आए नहीं था, आज मेरा दिन नहीं है, तो फिर कब होगा? कब होगा है ना, मैंने ये बात बोली तो क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप फ्राइडे को ही आइए, मैं किस बच्चे को पकड़ के लाऊंगी दोबारा से कि भैया मेरे भैया को गोद में उठा के अस्पताल पहुंचा दे। यहाँ व्हील चेयर नहीं देते, कल पूरा दिन एक लड़की को खड़ा रखा कि व्हील चेयर दे दो, आधार कार्ड भी दे रही हूँ मैडम है नहीं, और जब लास्ट में नंबर आया मेरा व्हील चेयर थी भी करे मैडम, अब तो टाइम खत्म हो गया, मुझे तीसरी मंजिल से अपने भाई को गोद में लेके मैं कैसे उतारती। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये आंटी कितनी परेशान है, यहाँ पे व्हील चेयर भी नहीं दी जा रहा, एक एक बेड पे दो दो मरीज को लिटाया जा रहा है, डिस्टेंस कुछ मेंटेन नहीं करा जा रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है अभी, सब काफ़ी काफ़ी लोग अब एक दूसरे से लग के ही बीमार, कोविड जो फैल रहा है और ना ही डिस्टेंस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ पर दवाइयाँ एक मिल रही है एक नहीं मिल रही है, कह रहे हैं महंगी दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, सस्ती दवाइयाँ यहीं से दे देते हैं। मैं विवेक, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ, मैं विवेक, आप देख रहे हैं नज़र टूटे।